फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पे आपके लिए हिंदी और मैथ की क्लासें यानी शुरू हो गई है। तो आज हम लेके चलेंगे इंग्लिश की क्लास, जिसमें हम करेंगे ग्रामर का एक टॉपिक है आर्टिकल। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल में लेके चलते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले बात आती है, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कि आर्टिकल में तीन चीज़ें होती है, एक तो ए, एन और द। ठीक है, हमने शुरू से ही देखा था कि आर्टिकल जब छठी क्लास से शुरू होती है तो हमें इसे कहा जाता है कि ए, एन और द। लेकिन जब बात आती है कंपटीशन की, तो इसमें एक आर्टिकल और मेंशन किया जाता है जो होता है जीरो आर्टिकल। ठीक है, कौन सा? जीरो आर्टिकल, जिसको जिस स्थान पर ए, एन और द न प्रयोग हो गए, आर्टिकल कौन सा लगता है? जीरो आर्टिकल, यानी क्रॉस का जो जहाँ पे निशान लगता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि आर्टिकल कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं, यानी कौन से आर्टिकल को कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन से आर्टिकल को किस स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है एक डेफिनेट की, किस चीज की? डेफिनेट की, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित, यानी कोई चीज जब निश्चित अपनी शो करे। ठीक है, कौन सी? निश्चित। इसके बाद आता है इनडेफिनेट आर्टिकल, कौन सा? इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा करेंगे? इनडेफिनेट। अब डेफिनेट का हमने किया था निश्चित, और इनडेफिनेट क्या हो जाएगा? अनिश्चित, यानी जो इनडेफिनेट आर्टिकल में जो संज्ञा शब्द होता है वो क्या ना करे, अपना मतलब निश्चित स्थान को ही शो न करे, या निश्चित चीज को शो न करे। अब डेफिनेट आर्टिकल में एक चीज आता है पर्टिकुलर नाउन, क्या आता है? पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर का अर्थ होता है विशेष, क्या होता है? विशेष, यानी जो चीज विशेष हो, यानी जो संज्ञा विशेष हो, यानी जैसे कोई नाउन संज्ञा शब्द है वो क्या है, अपना विशेषता को शो करे, तो वो चीज क्या किसमें आएगी? पर्टिकुलर नाउन में आएगी। और इसमें होता है अननोन नाउन, अननोन नाउन यानी अज्ञात संज्ञा के लिए, अज्ञात संज्ञा के लिए, अननोन नाउन यानी अज्ञात संज्ञा के लिए। तो दोबारा बता देता हूं, आर्टिकल ए, एन और द, एक होता है जीरो आर्टिकल। ठीक है, जहां पे ये नहीं यूज होते, कौन सा आर्टिकल यूज होता है? जीरो आर्टिकल। उसके बाद अपन इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? डेफिनेट यानी जो निश्चित है, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल जो कि अनिश्चित होता है। डेफिनेट में बात करते हैं पर्टिकुलर नाउन यानी जो कि विशेष संज्ञा होती है, अननोन नाउन यानी जो अज्ञात संज्ञा होती है। अब पर्टिकुलर नाउन यानी जो विशेष होती है, तो विशेष के अंदर हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? हम आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पे द, कौन सा? द आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, अब बच कौन से है? ए और एन, तो इसमें अननोन नाउन यानी इंडेफिनेट आर्टिकल में आ जाएंगे ए और एन। अब हमें कोई पूछे कि डेफिनेट और द में कोई फर्क है क्या? नहीं, हम इसको डेफिनेट आर्टिकल भी बोल सकते हैं और द आर्टिकल भी बोल सकते हैं। इंडेफिनेट और एन में कोई फर्क नहीं है, अगर इसको हम बात करें एक ही चीज बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो आर्टिकल द है वो यूज कहाँ पे होता है और एन है वो आर्टिकल यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे सिंगुलर काउंटेबल की, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन जो संज्ञा होती है उसके साथ क्या द आर्टिकल यूज होता है? जी बिल्कुल होता है। ठीक है, अब बात आती है जो ए और एन है, क्या वो आर्टिकल एन और एन है जो, वो क्या सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर मेरे को पूछ ले कि ए और एन है वो सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के यानी एक वचन संज्ञा के साथ यूज होते हैं, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल यूज होते हैं। अब ये तो पता चल गया कि सिंगुलर यानी एक वचन संज्ञा उसके साथ यूज होता है दा, लेकिन अगर हम बात करें कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन,
यानी जो बहुवचन संज्ञा होती है यानी एक से अधिक जो जिसमें बात काउंटिंग यानी बात हो जिसमें, तो अगर हमें पूछे कि कोई काउंट प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज होगा तो हम कहेंगे जी बिल्कुल होगा। अगर यही बात करें हम आर्टिकल ए और एन की तो क्या ये बहुवचन संज्ञा के साथ यूज होते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी हमें अगर पूछे कि जो ए और एन आर्टिकल है वो प्लूरल काउंटेबल यानी बहुवचन संज्ञा के साथ यूज होते हैं, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यानी बहुवचन संज्ञा के साथ यूज होते हैं, तो हम कहेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ तक बात कर ली कि जो आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल पर्टिकुलर नाउन के साथ कौन सा यूज होगा और अननोन नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल होगा। अब जो दो जो द आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं जैसे एकवचन संज्ञा के लिए, ठीक है, यानी एकवचन संज्ञा के साथ आर्टिकल द यूज होगा। फिर बात आती है प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा के साथ आर्टिकल द यूज होगा लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है उसके साथ यूज होगा, ठीक है। अब बात आती है ए और एन की, वो क्या है सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज होते हैं लेकिन जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है यानी जो बहुवचन संज्ञा है उसके साथ यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने बात कर ली थी उसके साथ, ठीक है। तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे मैंने लिख दिया ए टॉल बॉय, सॉरी ए बॉय लिख दिया जैसे मैंने, ठीक है। तो बॉय हमारा क्या है नाउन है, बॉय क्या है नाउन, यानी नाउन से पहले आर्टिकल यूज हो गया ए। अब जैसे मैंने लिख दिया, अब बात ये आती है कि जो आर्टिकल है वो क्या नाउन से पहले ही यूज होता है, ठीक है, यानी जो आर्टिकल है वो क्या नाउन वर्ड से पहले ही यूज होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, अब इसी को मैं लिख दूं ए टॉल बॉय, ठीक है, तो इसमें तो आर्टिकल नाउन, ये जैसे मान लो बॉय हमारा क्या है नाउन है, टॉल हमारा क्या है एडजेक्टिव वर्ड है और ए हमारा क्या है आर्टिकल है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ए टॉल बॉय, ठीक है, अब बॉय सबको पता है क्या है नाउन है, टॉल क्या है एडजेक्टिव वर्ड, टॉल होता क्या है लंबा, क्या होता है लंबा। अब यानी इस लड़की की विशेषता है कि वो क्या है लंबा है, यानी जो एडजेक्टिव वर्ड होता है, एडजेक्टिव क्या होता है हिंदी में विशेषण होते हैं, क्या होते हैं विशेषण, और विशेषण क्या करते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे इस बॉय की विशेषता है कि वो लंबा है यानी टॉल, तो एडजेक्टिव वर्ड क्या है नाउन की क्या कर रहा है विशेषता बता रहा है, तो इसके जैसे विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है विशेषण यानी जो नाउन की विशेषता होता है, ठीक है। तो उसके आगे हम आर्टिकल द यूज करेंगे या फिर ना करेंगे जी करेंगे। हम आपको एक बात बताता हूँ, जो आर्टिकल वर्ड होता है अगर वो जरूरी नहीं है कि वो नाउन से, ठीक है, यानी आर्टिकल जो ए है वो क्या है क्या इसके पहले यूज करेंगे। जैसे मैंने बता दिया अगर वो नाउन दे दे तो क्या हम आर्टिकल नाउन से पहले ही यूज करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि नाउन से पहले हमें वो क्या है कोई एडजेक्टिव वर्ड दे दे, क्या दे दे एडजेक्टिव वर्ड दे दे और एडजेक्टिव वर्ड दे दे तो आर्टिकल क्या है हम नाउन से पहले यूज करेंगे तो यहाँ पे गलत यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक चीज लिख के बताता हूँ आपको, जैसे मैंने एक चीज लिख दी कि ये नाउन हो गया हमारा, इससे पहले वो एडजेक्टिव वर्ड दे दे और इससे पहले अगर वो हमें एडवर्ब दे दे, एडवर्ब होती क्या है नाउन संज्ञा एडजेक्टिव विशेषण एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, अगर वो नाउन से पहले हमें क्या दे दे एडजेक्टिव वर्ड दे दे, अगर वो ऑब्जेक्टिव वर्ड से पहले में क्या दे दे एडवर्ब दे दे तो हम आर्टिकल यूज कहां पे करेंगे, तो हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे यदि हमें सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव वर्ड दिया है तो आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन से पहले न यूज करके कहां करेंगे ऑब्जेक्टिव के पहले, अगर हमें वो ऑब्जेक्टिव के पहले एडवर्ब वर्ड दे दे तो हम आर्टिकल का यूज एडवर्ब के पहले करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर जैसे वो दे दे सीधा हमें ए गुड बॉय,
ठीक है, तो बॉय क्या है हमारा नाउन है, और गुड क्या है एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, गुड क्या है एडजेक्टिव वर्ड है। तो आर्टिकल हमने यूज कहाँ किया है, नाउन से पहले मैं करके एडजेक्टिव वर्ड से पहले दिया है। अगर यही इसी एग्जांपल को मैं लिखूं, ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, तो मैंने बताया था ना यदि नाउन वर्ड आ जाए तो आर्टिकल हमें नाउन से पहले ना यूज करके कहाँ यूज करना है, एडजेक्टिव वर्ड से पहले। अगर एडजेक्टिव वर्ड से पहले में क्या दे दे वो एडवर्ब दे दे तो आर्टिकल यूज कहाँ करना है, उसके पहले, ठीक है, यानी ए वेरी गुड बॉय। तो हमारा ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव, ये नाउन हो गया, और ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो हम यूज कहाँ करेंगे आर्टिकल, इन तीनों से पहले यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो हमें दे दे बाय